told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज जैसा कि आपको पता है 1 मार्च है, तो मैं हो गई हूँ तैयार। आज हमारी शादी की सालगिरह है। वैसे तो दो तीन दिन से आपके पास कंटिन्यू व्लॉग आई रहे हैं इस चर्चा में, लेकिन आज है वो स्पेशल डे हमारे लिए। मेरी शादी को आज 15 साल कम्प्लीट हो चुके हैं, कैसे निकल गए पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। बस भगवान से यही प्रे करती हूँ कि जैसे ही ये टाइम निकल गया आगे भी हंसते खेलते लड़ते झगड़ते ऐसे ही निकल जाए। और देखिए, आज मैंने साड़ी भी नई पहन ली, वही वाली साड़ी पहनी है जो मैंने परसों मंगाई थी, मतलब जो मेरा गिफ्ट है वही वाला। और वैसे तो ये साड़ी मेरी तैयार भी नहीं, ना फाल लग रही, लेकिन इसके ऊपर ये किनारी सी थी तो इसलिए मैंने पहन ली, मतलब इसमें फाल की जरूरत नहीं थी। और ये देखिए, ब्लाउज भी मेरा पहले से ही है, ये दूसरी साड़ी का, और ये बिल्कुल इसमें मैच कर रहा, लग रहा कि इसी का ही है। और मुझे पता नहीं था कि ये आज मैं पहन दूंगी, लेकिन सुबह ही मेरी बुआ जी का फोन आया, उन्होंने स्पेशल कमेंट मुझे बोला कि वही वाली आज साड़ी पहननी तुझे, कोई भी। मैंने बोला, उन्हें मैंने कहा कोई भी, मेरे पास तो ब्लाउज भी नहीं बना हुआ उसका, तैयार भी नहीं। कह रही नहीं कोई नहीं, रेड वाली पे तो कोई भी चल जाता है। तो फिर मैंने जैसा अपना बेड खोलना शुरू करा अलमीरा, तो ये निकल गई मेरे सामने आ गई। तो मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल मैच कर रही है और लग भी नहीं रही कि ये अलग है। और देखिए, बिल्कुल मेरा काम आज बन गया और मैंने साड़ी पहन ली। और मेरी साड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो जी, आज के दिन की करते हैं शुरुआत। बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों का आज एग्जाम है, घर का काम मैंने सारा कर लिया, और अब हम जा रहे हैं मंदिर। मंदिर में सबसे पहले जाएंगे, भगवान से आशीर्वाद लेंगे, तब जाके आज का जो प्रोग्राम करेंगे उसकी शुरुआत करेंगे। तो कल का मंदिर जा रहे हैं हम, और इसके पापा अभी ऑफिस में ही बिजी हो रहे हैं अपने काम में, तो उनको भी मैंने बोल लिया, मैं कहा चलो, तो साइड में किसी काम में बिजी, तो फिर चलते हैं। और कृष्णा भी आ गया, कृष्णा भी कह रहा कि मम्मा मैं जाऊँगा, अभी इसने कपड़े वगैरह नहीं पहने हुए, तो देखती हूँ इसको अगर लेके जाएंगे तो उधर से ही हम इसके कपड़े वगैरह बदलवा के तब लेके जाएंगे, पूछती हूँ इसके पापा को। तो जी चलते हैं। चलो, कितनी देर में चल रहे हैं, टाइम हो गया, बिजी हो रहे हैं आप तो। और ये सब इसके तो कपड़े बदलवाने पड़ेंगे, उधर से जब लेकर जाएगा फिर पहले उधर से। ठीक है, कन्हैया यहीं पे ही है, बस अभी आना जाना ही है हमें, आके मिलते हैं आपको, तो आपको भी दर्शन कराएंगे भगवान जी के, माता रानी के। क्या? हाँ, दूसरे बहन के। ठीक है, तब हम पहुंच गए हैं जी कालका मंदिर में, और बस स्कूटी लगा देंगे यहाँ पे साइड में, और देखिए दिखा देती हूँ आपको मंदिर। ये है सामने काली माता का मंदिर, और बस अब करेंगे दर्शन, प्रसाद ले लेंगे पहले, तो यहाँ से ले लेते हैं प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद मंदिर पास में है, स्कूटी खड़ी कर दी हमने इधर थोड़ी सी दूर, तो ले लिया। तो ये है माता रानी का मंदिर, तो बस अब करते हैं दर्शन। यहाँ से अंदर कैमरा नहीं चलाने देता, तो मैं करती हूँ बंद, देख लो आप। दर्शन कर लिए, प्रसाद चढ़ा दिया है माता के मंदिर में, अब शिवलिंग पे भी जल चढ़ा देते हैं, इन्होंने चढ़ा दिया, मैं भी चढ़ा दूंगी। तो फिर
फ्रेंड्स, मंदिर से हम आ गए थे और आने के बाद बस मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि एक बज चुका है और बच्चे जल्दी आ जाएंगे। आज एग्जाम खत्म हो जाएगा जल्दी। और सब्जी तो मैंने आज सुबह ही बना ली थी, जब सुबह बच्चे गए थे ये रखी, आलू की सब्जी बनाई थी और आटा मैंने बना दिया, बना के रख दिया, बस बच्चे आएंगे तभी सेक दूंगी। तो आज यही बनेगा दोपहर के खाने में। और बेडशीट भी मैंने चेंज करी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये पहले आपने देखी होगी क्योंकि ये मैंने काफी पहले ली थी, अभी तक मैंने डाली नहीं थी, नई थी। तो यहाँ मैंने कुशन भी रख दिए, लगा दिए, ये कुशन भी नए थे तो ये भी लगा दिया। ये कृष्णा ना करे इधर उधर, उसने सेट कर दिया, अच्छे लग रहे हैं ऐसे भी। और ये बेडशीट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और जो मेरी साड़ी है, इसकी ब्लाउज ये वाली थी, ये बॉर्डर के साथ, ये बनारसी में है लेकिन इसके ऊपर यही चल रही है ज़्यादा अच्छी, तो ये बिल्कुल फिट होगी। और बस पूरा घर तो मैंने सुबह ही सेट कर दिया था और बस अब बच्चों की वेट कर रही हूँ, फिर अपना और तैयारियों में लगेंगे। हाँ, मंदिर गए थे अभी अभी तो आए हम, बस 15 मिनट हुए। नमस्ते बेटा, कैसा हुआ? थैंक यू। चाचू के साथ आए तुम? चाचू चले गए थे इतनी जल्दी? नहीं, हम रास्ते में। हाँ वही तो कह रही। कैसा हुआ दोनों का पेपर? अरे ईशु का? अच्छा, पास हो जाएगी? अच्छा चलो चलो, चेंज कर लो, मैं खाना बना रही, ठीक है? फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी 3:15 के आसपास हो रहे हैं शाम के, और आज मैं और ईशु स्कूल से जल्दी आ गए थे क्योंकि हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं तो जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आज है मम्मा पापा की एनिवर्सरी, तो उसके लिए अब हम सेलिब्रेट करेंगे, शाम को सेलिब्रेशन है हमारे घर में। तो उसके लिए हमने कुछ सामान मंगवाया है जिससे हम डेकोरेशन करेंगे, मैं और ईशु मिलके, और पापा भी करेंगे। इधर मम्मा बना रही है खाना, खाना बनाने की तैयारी कर रही है। मम्मा क्या बना रहे हो आज खाने में? बैठेंगे अभी तो क्या बनाएंगे। अच्छा, अभी हाँ डिसाइड नहीं हुआ अभी किसी का भी कुछ की क्या बना रहे हैं। तो हम सब मिलके डेकोरेशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं, करने लगे हैं तैयारी। सबसे पहले करेंगे डेकोरेशन क्योंकि उसमें टाइम लगता है, फिर मुझे बनाना है खाना, तो सब मिलजुल के कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले सोच, पहले तो हमने डिसाइड किया, सबने सोचा कि कैसे कैसे क्या करना है वो करके। तो यहाँ पे इतना स्पेस तो है नहीं, तो जो ये दीवार है इसको साइड कर देंगे, गैलरी में कर देंगे जहाँ पे पौधे हैं वहाँ पे, और बस यहाँ पे खाली कर लेंगे क्योंकि डेकोरेशन करने के लिए जगह भी चाहिए। और फिर जैसा भी कुछ फंक्शन करते हैं या फिर जैसा केक वगैरह काटेंगे या कुछ भी, तो उसके लिए हमें जगह करनी है। तो ये सारा एरिया हमने कर लिया है खाली, जो सोफे हैं वो तो एक साइड हैं, तो यहाँ पे जैसे कितनी भी सफाई कर लो लेकिन कूड़ा सा तो निकल ही जाता है थोड़ा बहुत, तो जो था वो मैंने कर दिया है साफ झाड़ू से। और बस अब सबसे पहले मैट बिछा लेंगे और उस पर सामान रख लेंगे। सामान हमने सारा मंगाया हुआ है, और सबसे पहले जो बैलून वगैरह वो फुला लेंगे। और यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दे के देखना, देखिए जैसे ही डेकोरेशन करनी शुरू कर दी तो मुझे चाहिए था जो बैलून में हवा भरने वाला होता है, ये एक तो आया था जो सामान मंगाया था उसके साथ, लेकिन गुड्डू कहने लगी मम्मा दूसरा भी ले लो। मैं कहा चलो साथ साथ दूसरा ले लेते हैं। तो अंदर आप देख रहे होंगे ये कैमरा हमने स्पेशल नहीं लगाया, लगा हुआ पहले से ही, तो अंदर का भी दिख रहा। वो मैं वहाँ बेड में देखने गई, जैसा कि वो ढूंढने गई, तो अचानक से वहाँ पे मेरे लग गई चोट, और जो जैसे मैं बेड में से निकाल रही थी तो जो बेड का जो पल्ला होता है वो मेरे हाथ से छूट गया, गद्दे पे हाथ चला गया, और वो पल्ला इतना भारी था वो मेरे मुंह पे ही सीधा आके गिरा। और सच में ही आपको मैं बता नहीं सकती, ये देखिए, ये तो हमने अभी अभी देखा है कि इसकी वीडियो बनी हुई, क्योंकि जो कैमरा बाहर डेकोरेशन के लिए लगाया हुआ था उससे ही सारा दिख रहा था। जब मैं एडिटिंग करने लगी तब मैंने ये देखा, बाकी वैसे तो पता नहीं था, लेकिन बस आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी ज़्यादा चोट लगी। तो ये सारे इकट्ठे हो गए और मैं इतनी रोई, पता नहीं बस क्या हो रहा आजकल मेरे साथ, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा होने हो रहा कि मैं समझ नहीं पा रही क्या हो रहा। जैसा कहीं भी चोट लग जाती है गिरने से बच जाती हूँ, कई बार ऐसा हो गया जैसा चक्कर आ जाते हैं गिर जाती हूँ, पता नहीं क्या हो रहा। और कोशिश भी करती हूँ हर कुछ सही करने की, लेकिन फिर भी देखिए अचानक से ऐसा कुछ हुआ, तो सभी का मन बहुत दुखी हुआ क्योंकि चोट मेरे बहुत ज़्यादा लगी और मेरी आँख ही बच गई। तो ये सारे
बच्चे भी ईशु और गुड्डू भी रोने लगी जब मैं रो रही थी। फिर इन्होंने मुझे पानी पुनी पिलाया, सारों ने अंदर ही आ गए, कन्हैया भी, गुड्डू भी, ईशु भी, इसके पापा भी, और बस फिर हमने थोड़ी देर आराम करा। तो बस मैं पड़ गई क्योंकि चक्कर आ गए थे बहुत ज़्यादा और चोट तो ज़्यादा लग गई थी मेरे। और बस फिर जब मैं पड़ गई तो सब बैठ गए, किसी ने कुछ भी नहीं करा। तो फिर मैं जैसा आधा घंटा 1 घंटा लेटी रही तो मुझे ऐसा लगा मन का मैं पड़ी रहूँगी तो कुछ भी नहीं करने के ही है, और बच्चे भी मायूस से हो गए बिल्कुल। फिर मैं थोड़ा सा जैसा पैरासिटामोल ली, मेरा दर्द सा कम हुआ तो फिर मैं उठी दोबारा। मैंने सोचा मैं नहीं, जब हमने सोचा है कुछ करने का वो करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो अपना तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों का होता है। बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब खुश थे इसके लिए कि मम्मा ये करेंगे, और बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बनाए हुए थे कि मम्मा ये करेंगे। तो मैंने सोचा चलो वही जो दुख हो गया मेरे साथ हो गया, जो घटना घटी, लेकिन जो मान लो आगे इसे ही कब तक रखूंगी, जो भी दर्द है मेरे साथ। और मैं अपने दर्द को भूल कर फिर से लगी बच्चों के साथ मैं खड़ी हुई। फिर मैं भी सभी तब बाद में लगे जाके जब मैं खड़ी हुई, वरना तो सारे ऐसे ही बैठ गए थे। जैसे मैं लेट गई थी ना, गुड्डू ईशु मेरे पास ही जाके लेट गई, और गुड्डू तो सच में बहुत रोई कि मम्मा के इतनी चोट लग गई। मैं उसे समझाती भी रही, मैंने कहा बेटे कोई बात नहीं, और बच्चों को देख कर ना अपना दुख कम लगता है, बच्चों को ये होता है कि हमारे लिए परेशान ना हो। तो फिर बस हमने थोड़ी देर, मुझे भी रिलैक्स मिला, मैंने दवाई वगैरह ले ली थी। तो यहाँ बस फिर लग गए हैं डेकोरेशन करने के लिए, और जो ये डेकोरेशन का सामान है सारा ऑनलाइन परचेज किया था इन्होंने, ये तो 2 दिन पहले ही आ गया था। तो इसमें सारी ये झालर वगैरह भी थी, और ये एनिवर्सरी का जो ये है ये भी इसी के साथ था, और इसके साथ ये लाइट भी थी, LED लाइट भी, और ये लगा रहे हैं इसके पापा, और बैलून वगैरह सब कुछ, ये पूरा सेट था, ये शायद अमेजोन से परचेज किया है इन्होंने। तो यहाँ बस सब लगे हुए, और मैंने बैठ के बैलून फुला दिए हैं सारे, और गुड्डू, इसके पापा और कन्हैया, ये सारे लग रहे हैं अपना लगाने में। दर्द तो मेरा बहुत हो रहा था तब भी, दवाई भी ले ली थी, और बस वही है कि कुछ नहीं, यही सोचा मन का, ये सोचते हैं कि भगवान ने पता नहीं कैसे टाल दी, क्योंकि चोट जहाँ मतलब मेरे मुंह पे जो लगी बिल्कुल आँख के कॉर्नर पे लग रही, और आँख मेरी बाल बाल बच गई। अगर आपको बताओ दूँ, जरा सी भी आँख के पास लग जाती तो शायद मेरी आँख, या तो मतलब आँख मेरी जा सकती थी, इतना बड़ा हादसा होने से बचा मेरे साथ। लेकिन वही कहते हैं कि भगवान पता नहीं क्या, जो भी हो रहा समय के साथ ही सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है, भगवान को जो भी मंजूर है। बस ये है कि भगवान ने जो भी करा कम से कम इसी पे ही टाल दी, और यही प्रे करती हूँ भगवान से, भगवान जो भी मेरी गलती है वो माफ़ करना, और ये कोई जो भी दिक्कत हो रही मेरे साथ ये ना हो। और बस देखिए मैं अपने दुख को भुला के अपने बच्चों के साथ इनके साथ मिल के फिर करने लगी हूँ अपनी तैयारी, क्योंकि तैयारी तो हमारी सारी थी, बस ये प्लान तो पहले ही बना हुआ था, लेकिन बस वही फिर मैंने सोचा मैं कहा नहीं कर लेंगे कोई बात नहीं, बच्चे फिर वरना मायूस से हो जाते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बैलून फुला दिए मैंने बैठ के, और गुड्डू ने टेप वगैरह लगा के दे दिए, और ईशू भी लगा रही है। तो यहाँ जैसे जैसे भी था सारा तो इन्होंने कर दिया है सेट, और बैलून इसमें 2-3 कलर के थे, और सच में डेकोरेशन जो है वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो लगा दिए हैं देखिए सारे, इसमें गोल्डन कलर के भी थे, सिल्वर भी थे, और ब्लैक भी थे। तो ये पूरा सेट ये गोल्डन, सिल्वर और ब्लैक कलर में ही था, और जो LED लाइट है वो मतलब नेट से कनेक्ट की हुई है, उसमें भी कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो मतलब जैसा पूरा सेट हो गया था ना, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। Today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. और यहाँ देखिए पूरी पूरा डेकोरेट हो चुका है, और ये देखिए कितना सुंदर लुक आया निकल के, और ये सब गुड्डू ने ही सिलेक्ट किया था, गुड्डू की पसंद का ये सारा मंगाया था, गुड्डू ने परचेज किया है ये सारा। और बहुत खुशी होती है जब बच्चे हमारे लिए कुछ करते हैं, और सच में मन खुश हो जाता है। What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying.
तो डेकोरेशन देखिए जी, हो गई है कंप्लीट। और आपको जैसा देखिए, मेरा चोट लगी है बहुत ज़्यादा, बस यह है कि भगवान की शुक्र से मेरी आँख बच गई, क्योंकि चोट ज़्यादा है बहुत। और चोट तो चलो ठीक हो जाएगी जैसा कैसा भी, और दर्द भी हो रहा बहुत ज़्यादा, बस करना तो है ही, जब शुरू कर दिया किसी काम को फिर करना भी। और इधर देखिए इंदौर भी आ गए, बच्चे भी आ गए, पी रूई और इतना भी आ गया, वे भैया के साथ आ जाएंगे, तो पीऊ भी आ गई। और बस बच्चे कह रहे रेडी होने के लिए, मैं उनको कर देती हूँ, दे देती हूँ। और यहाँ देखिए बच्चों ने अपनी ड्रेस तैयार करके रख रखी पूरी, जो भी इनकी ज्वेलरी वगैरह। और ये जो ड्रेस है ये इनकी साड़ी में से बनी, मेरी साड़ी थी एक शादी की, और मुझे ये साड़ी बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने ये पहले तो पहनी, बाद में पहनी नहीं, क्योंकि इसकी ब्लाउज नहीं आती थी मेरे से। तो फिर मैं मुझे लगा कल अचानक से मैंने ये निकाल ली, और देखे कितनी सुंदर साड़ी थी ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और फिर मैंने इसकी बच्चों की ड्रेस बनवा दी, तो इसके चाचू ने बनाई है ड्रेस, तो दोनों की सेम सेम बनाई। बस अब बच्चे भी तैयार हो जाएंगे, तैयार होकर दिखाएंगे आपको कैसी लगी इनकी ड्रेस। और ये देखिए दोनों ने पहन ली है, और आपको कैसी लगी ये ड्रेस कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी बेटियाँ दोनों तैयार होगी, और वीडियो अब मैं रोकूंगी यहीं पे, जो आगे का पार्ट है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, अगर इसमें डालूंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।